हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूं हनी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल स्किन वाइटनिंग स्लीपिंग पैक कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, क्योंकि स्लीपिंग पैक का नाम आप सुना ही होगा। रात को सोने के पहले स्लीपिंग पैक लगाने से अपना चेहरा जो है बहुत ब्राइटनिंग दिखने लगती है, और स्लीपिंग पैक से अपना चेहरा रात पूरा रिपेयर होता है। सुबह उठते ही ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन पाने के लिए कंपलसरी स्किन स्लीपिंग पैक इस्तेमाल करना है। मार्केट में काफ़ी सारे स्लीपिंग पैक अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल है, लेकिन उसमें थोड़ा केमिकल है और केमिकल फ्री है। तो अच्छा वाला स्लीपिंग पैक लगाना है तो 7000 से 8000 तक खर्चा होता है। लेकिन आज मैं आपको घर का चीज़ इस्तेमाल करके नेचुरल स्लीपिंग पैक कैसे बना सकती हूँ आपको दिखाने वाली हूँ। ये इफेक्ट आपको सेम मार्केट वाली स्लीपिंग पैक, ये 100% सेफ और इफेक्टिव है। इसे अपना स्किन जो है बहुत स्पॉटलेस और ब्राइटनिंग दिखता है, और अपने स्किन को भी स्लीपिंग पैक बहुत अच्छे से रिपेयर करती है रात पर। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, और वीडियो को देखने के पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साइड पे बेल आइकॉन एक घंटी रहता है उसको आप दबाओगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाती है। और आपको कुछ भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो को नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिक्वेस्टेड वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर बना सकती हूँ, और वीडियो के अंदर आपका नाम भी मैं मेंशन करती हूँ। तो इसके लिए आप एक काम करना है, मेरा चैनल को फॉलोअप करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं नेचुरल स्लीपिंग पैक बताऊँगी। इसके लिए हमें लेना है आलू जूस, इसके लिए हमें लेना है एक आलू। आलू को अच्छे से चुलटा निकाल के ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाना है। इसे हम जूस भी एक्सट्रैक्ट करना है। मैं ऑलरेडी आलू जूस को निकाल चुकी हूँ। अभी एक आलू का जूस, मैं कंप्लीट आलू का जूस ले चुकी हूँ। आलू का जूस में हमें ऐड करना है टोमेटो का जूस। मैं इसमें टोमेटो का पल्प ऐड करना है। इसमें 2 चम्मच टोमेटो का पल्प ऐड कर रही हूँ। अब ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लेना चाहिए। 2 चम्मच टोमेटो का पल्प और 2 चम्मच आलू का रस अच्छे से मिला लेना चाहिए। ये दो चीज़ इस्तेमाल करने से काफ़ी है। आलू का जूस और टोमेटो का पल्प को अच्छे से मिला के चेहरे के ऊपर अप्लाई करोगे तो चेहरा बहुत अच्छा दिखने लगते हैं। अभी ये सिंपल स्लीपिंग पैक तैयार हो गई है। इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊँगी। इसको अप्लाई करने के पहले अपने चेहरे को साफ़ली वॉश करना है। चेहरे को साफ़ली वॉश करने के बाद रात को सोने के पहले एक कॉटन पैड को इस सॉल्यूशन में डिप करके इसको चेहरे के ऊपर ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके एक 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, ताकि ये जो पैक है ये सॉल्यूशन अपने चेहरे को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। तो इसके लिए 10 मिनट टाइम पकड़ेगा। 10 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। ऐसे करने से इसमें टोमेटो का पल्प और आलू का रस से टोमेटो का पल्प अपना एक्ने से, पिंपल से फाइट करती हैं। अगर आपका चेहरा स्पॉटलेस रहना है तो टोमेटो का पल्प को यूज़ करना है। इससे चेहरा स्पॉटलेस दिखती है, और इससे विटामिन ई विटामिन सी रहने का कारण इससे अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ेगा, और इससे स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है। और इसमें आलू का जूस भी है। आलू में, पोटैटो में विटामिन सी विटामिन ई भी रहता है और विटामिन बी भी रहता है। ये अपना पिंपल्स को, डार्क स्पॉट्स को, चेहरे के अंदर दाग धब्बे को मिटाती है, अपना स्किन को रंग को भी गोरा करती है आलू। ये दो चीज़ इस तरह आप लगाओगे तो हर रोज़ रात को सोने के पहले लगा के 10 मिनट तक छोड़ने से अपना चेहरा बहुत अच्छा दिखता है। इससे कॉम्प्लेक्शन बढ़ेगा, और ये अपना स्किन को अच्छी तरह प्योरीफाई करता है। स्किन प्योरीफाई मतलब स्किन को साफ करता है। चेहरा रात को सोने के पहले साफ रखने से सुबह उठते ही चेहरा बहुत ग्लोइंग दिखता है, क्योंकि रात पूरा अपना चेहरा बहुत अच्छे से रिपेयर होता है। तो साफ चेहरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप हर रोज़ करोगे ना, रात को सोने के पहले करने से सुबह उठते ही आप फॉल्डलेस चेहरा देख सकते हो, चेहरा बहुत शाइनिंग दिखता है, नेचुरली ग्लोइंग हो जाएगा। इसको हर कोई ट्राई कर सकते हो, मेल फीमेल टीनेजर्स कोई भी ट्राई कर सकते हो। इससे 100% रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो ये है आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा ना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।